तो ये पार्ट टू है डिस्काउंट का। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि आप 10% आपको डिस्काउंट दिया था मार्क प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पे, उससे आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए थे, ठीक है। बट इस पार्ट में मैं आपको परसेंटेज नहीं दूंगा, इस पार्ट में मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा। देखो अभी तो हम लोग ये कंटेनर को देखेंगे। ये कंटेनर है जिसका जो MRP दिया हुआ है, MRP उसका 60 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसका मार्क प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, MRP 60 रुपीज है। और ये लोग आपको, ये लोग कितने रुपीज में दे रहे हैं? 45 रुपीज में, मतलब आपको घर लेकर जाने ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो 45 रुपीज में आप इसको घर लेकर चले जाओगे, 60 रुपए की चीज है, 45 रुपीज में आपको पड़ रही है, तो आपको कितने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है? सीधी सी बात है, आपको 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो 60 को नीचे लिखोगे, 60 रुपीस को नीचे लिखोगे, 15 को ऊपर लिखोगे, 60 पे 15 रुपए का डिस्काउंट, ऐसे ही करेंगे ना। मतलब जो भी मार्क प्राइस MRP है वो नीचे आएगा और ऊपर जितना डिस्काउंट दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। तो 60 15 ऊपर लिखेंगे, नीचे 60 होगा। अब परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आगे आने वाले पार्ट में मिलते हैं, बाय।